नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एनसी पांडे, नवीन चंद्र पांडे, होम्योपैथिक बद्र से समस्याओं का समाधान बताने के लिए डेली प्रस्तुत होता हूँ। आज प्रस्तुत हूँ, मेरी एक पेशेंट है, पुरानी पेशेंट है, सकीना जी, इनका वीडियो लेके प्रस्तुत हो रहा हूँ। बीच में मई के महीने में इनको काफ़ी बीमार पड़ गई थी, जब इनका टेस्ट कराया तो कोरोना पॉजिटिव निकली, फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा इनको कमजोरी आ गई है और साथ में बहुत कमजोरी आई और साथ में बाल झड़ने की इनको ढेर सारी समस्या रही। पहले से मेरे पास यहाँ दिखाते आ रही हैं, हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए पहले हल्का फुल्का इनको सर्दी जुकाम बुखार रहता था तो मैं ठीक कर लेता था, परंतु उसके बाद कोरोना के बाद इनके बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लगे। तो सकीना अभी भी इतनी डरी हुई हैं, तो अभी भी ये मास्क लगाती हैं डर के मारे कि कहीं दोबारा से मुझे कोरोना नहीं हो जाए, किस तरह कोरोना नहीं हो जाए। तो सकीना से मैंने कहा कि सकीना जी, मेरे साथ में आपके बाल झड़ने यहाँ से काफ़ी हद तक ठीक हो गए, तो आप एक वीडियो बना दीजिए ताकि जन जन तक पहुँचे कि कोरोना के बाद कितने साइड इफेक्ट आ रहे हैं और कितनी कमजोरी आ रही है। आपने यहाँ के दवाई खाने से बाद आपके साइड इफेक्ट भी दूर हुए, कमजोरी भी दूर हुई और साथ में बाल झड़ने भी आपके पूर्ण रूप से ठीक हुए। तो सकीना मान गई, तो इनका शुक्रिया मैं कहता हूँ कि सकीना का धन्यवाद दूंगा और शुक्रिया भी करूँगा। तो मेरे साथ वीडियो बनाने के लिए तैयार हुई है, वीडियो को पूरा देखिएगा। अंत में मैंने सारी दवाइयाँ बता रखी हैं, कैसे कैसे मैंने सकीना को ठीक किया और क्या क्या डाइट बताई है, सारी बातें बता रखी हैं। सकीना जी बताएंगी कि सकीना इनको कोरोना के बाद मई के बाद क्या क्या दिक्कतें आई, क्या नहीं आई और आज ये यहाँ पर अभी भी इतनी डरी हुई हैं तो मास्क लगा रही हैं। सबसे पहले मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगी कि कोविड नियमों का पालन करें, प्रॉपर मास्क लगाएं, सैनिटाइजर को टाइम टू टाइम यूज करें और जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो प्रॉपर, अगर आप घर आते हैं तो सबसे पहले हाथ मुंह धोएं अच्छे से, फिर आप किसी से अपने घर वालों से मिलें। तो प्लीज मैं यही कहूंगी कि कोविड नियमों का प्रॉपर पालन करें क्योंकि ये महामारी बहुत खतरनाक है, ये इतनी जल्दी से नहीं जाने वाली है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि ख़त्म हो गई है या कुछ भी, इस तरीके में ना रहे क्योंकि लोग अभी भी काफ़ी केसेस आ रहे हैं। तो यही कहूँगी नियमों का पालन करें। मेरा नाम सकीना, मैं हल्द्वानी की रहने वाली हूँ। मुझे अभी लास्ट मंथ 2-3 महीने पहले मुझे मई के टाइम कोविड हुआ था। मैं उससे पहले कुछ दिन पहले ही अपने किसी फैमिली फंक्शन में गई हुई थी, तो बाद में किसी को पता चला, फिर मुझे पता नहीं चलता, उसके बाद मुझे हल्के हल्के सिम्टम्स आने लग गए। मुझे फीवर आया, मुझे गले में खराश होने लग गई और मुझे टेस्ट आना बंद हो गया। तो उस टाइम पे कोविड इतना चल रहा था तो अब टेस्ट करवाना ज़रूरी था, मैंने टेस्ट करवाया, फिर कोविड रिपोर्ट मेरी पॉजिटिव आई। उसके बाद धीरे धीरे इलाज चला, मैंने काफ़ी प्रिकॉशंस वगैरह सब चीज़ फॉलो करी और मैं फाइनली ठीक हो गई। और फाइनली ठीक होने के बाद मैं प्रॉपर ठीक नहीं हुई क्योंकि उसके बाद मुझे काफ़ी वीकनेस आ गई, मेरे बाल झड़ना शुरू हो गए। तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, तो मैं यहाँ सर के पास आई, सर ने मुझे काफ़ी इलाज बताया, अच्छे से बताया और अब काफ़ी हद तक मेरे बाल झड़ना एकदम कम हो चुके हैं और वीकनेस भी मेरी काफ़ी दूर हो गई है। तो मैं सर का और अल्लाह का शुक्रिया करना चाहूँगी कि मैं अब ठीक हूँ पूरी तरीके से, बस मैं सारे नियमों का पालन कर रही हूँ जो जो करना चाहिए। धन्यवाद। सकीना को कोविड हुआ था तो कोविड के बाद इनने कोविड नियम का जो पालन किया और साथ में अपनी इनकी रिकवरी भी बहुत जल्दी हो गई थी और उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा वीकनेस आने लगी थी और साथ साथ में बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे थे सकीना के। तो सकीना को सबसे पहले मैंने ब्रायनिया दिया 200 पाउड में 4-5 खुराक और बॉडी में पेन भी था, तो साथ में दूसरे दिन से मैंने अटनिका शुरू करी और कैस्टाइटिस भी बहुत ज़्यादा थी तो उसमें मैंने 25 नंबर दिया और साथ में एक मैंने जबरंडी क्यू दिया सकीना को 10 बूंदें 3 बार खाने के लिए। तो सकीना 1 महीने में काफ़ी अच्छा रिकवर उससे हुई और उसके बाद मैंने SPL का स्क्रोटॉन दिया 2-3 बार खाने के लिए और जबरंडी क्यू मैंने पीने में के लिए भी और साथ में एटनल लगाने के लिए भी यूज़ करने के लिए बोला। तो आज सकीना को कुछ ही महीने, मुश्किल से 2-2.5 महीने में बाल झड़ने दूर हुए और साथ साथ में कमजोरी पूर्ण रूप से ठीक होगी। नए वीडियो साथ में फिर कल मिलता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।